A very good morning to all of you, my students. Today we are going to discuss about the Water Prevention and Control of Pollution Rule 1975, and this is part 1. Myself, Dr. Prakash Tiwari, Head Department of Environmental Science, Coordinator IRS ISRO. Rules हैं क्या, रूल्स कैसे काम करते हैं, रूल्स में क्या क्या होता है, इनके वर्क फंक्शन कैसे होती है, यही सब आज हम लोग थोड़ा सा देखेंगे. वाटर का जो एक्ट है उसको आप देखे ही हैं, उस वीडियो को आप देखे ही होंगे, पढ़े ही होंगे. उस वीडियो के सारे लिंक्स इसमें भी हैं, डिस्क्रिप्शन में भी रहेंगे. वाटर रूल 1975 में बना, और यह रूल वाटर एक्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करके उससे वर्क कराया जाए, उस पर काम किया जाए, उसके लिए ये डिज़ाइन किया गया. रूल्स में बेसिकली आप फंडामेंटल समझ लीजिए, रूल्स और एक्ट में, एक्ट में पेनल्टीज़ होते हैं, रूल्स में पेनल्टीज़ के लिए गाइडलाइंस होते हैं. रूल्स बेसिकली वो बैसाखी है जिसके ऊपर वो एक्ट चलता है. अगर कोई एक्ट को हमको वर्क ऑर्डर में लाना है, एक ट्रैक बाउंड मोमेंट उसको देना है, मोमेंटम, तो उसके लिए हमको रूल्स की ज़रूरत पड़ती है. और यही सब को हम आज इसमें डिस्कस करेंगे. यूट्यूब पर मोस्ट अवेटेड वीडियो है, बहुत सारे लोगों के एक्ट के वीडियो को मैंने देखा है, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया है कि वाटर रूल्स पे वीडियो बनाइए, एयर रूल्स पे वीडियो बनाइए. तो ये हो सकता है कि उन बच्चों के लिए एडवांटेजेस हो जो रूल्स को सर्च कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि ये बीएससी एनवायरमेंटल साइंस, एमएससी एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल लॉ, जहाँ भी चलता है, सबके लिए ये बना है. अब कुछ मेजर पॉइंट्स हैं लॉ में, जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं तो उस समय आपको ध्यान रखना होगा. आर्टिकल के साथ सब क्लॉज, क्लॉज लगाए जा सकते हैं, लगते हैं हमेशा. जैसे मान लीजिए एग्जांपल देखिए, 252(1) लिखा है तो आर्टिकल 252 हो गया, आपका क्लॉज 1 हो गया. अगर उस 1 के आगे कुछ और भी हम डिजिट को अल्फ़ाबेटिकली या न्यूमेरिक में लिखें या अरबिक में टाइप में इसमें लिखें, रोमन में, तो वो सब क्लॉज कहलाता है. सेक्शंस के साथ सब सेक्शंस लगते हैं, सबऑर्डिनेट सेक्शंस लगते हैं. एक्ट में चैप्टर्स रोमन में लिखे जाते हैं, रूल्स में चैप्टर न्यूमेरिक्स में लिखे जाते हैं. रूल्स में शेड्यूल्स होते हैं, फॉर्म्स होते हैं. शेड्यूल्स को देखिए किस तरह के ब्रैकेट में लिखा गया है, गौर कीजिए. शेड्यूल्स को इस तरह लिखा जाता है, फॉर्म्स में कोई ब्रैकेट नहीं लगाए जाते हैं. एक्ट जो होता है वो लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट के द्वारा पास किया हुआ होता है. पहले पार्लियामेंट में डिस्कस होगा, बोथ द हाउस, फिर उसके बाद से उस पर प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होगा और फिर वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा. रूल्स उसी एक्ट को काम करने के लिए कैसे हम मोल्ड करें, कैसे हम उसको वर्क ऑर्डर में लाएं, यही सब सिखाता है. रूल्स से यहाँ से हमको जानकारी मिलती है हाउ टू गवर्न लॉ. और अगर हम एक लॉ की किताब को देखें तो आप ये समझिए कि एक्ट चैप्टर है और रूल्स उसके लेसन्स हैं. आगे चलते हैं. ये जो ब्लैंक मैंने रखा है, इसके ये जानबूझ के रखा है, यहाँ पे आपको एक चीज़ समझानी है. समझानी ये है कि लेट अस सपोज कि ये आपकी एग्जामिनेशन कॉपी है और क्वेश्चन आता है आपका कि आप लिखिए वाटर रूल, तो आप आंसर देंगे जब, तो उस आंसर में पेज के बीचों बीच में आप लिखेंगे यहाँ द वाटर प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन रूल 1975. इसके बाद से जो सारी डिटेल्स मैंने आज तक बताई हैं, चाहे वाटर रूल पूछे चाहे कोई भी लॉ पूछे, इसी तरह उसको लिखना है. आपको यहाँ पर एक उसका पूरा डिटेल देना है, जो इम्प्लीमेंटेड ऑन कितना चैप्टर, कितना सेक्शंस, ठीक. इसके बाद से आप मान लीजिए हेडिंग डालते हैं
मान लीजिए इसमें आप हेडिंग डालते हैं सेक्शन वन, तो पहले चैप्टर वन रहेगा आपका, चैप्टर वन, ठीक है, उसकी हेडिंग रहेगी यहाँ पे, फिर यहाँ सेक्शन वन रहेगा, फिर उसकी यहाँ पे वन लिखा, फिर यहाँ पे उसकी हेडिंग रहेगी। चैप्टर्स को हमेशा मिड ऑफ द पेज लिखिएगा, चैप्टर्स की हेडिंग हमेशा पेज के मध्य में लिखिएगा। सेक्शंस लिखे, सेक्शंस के बाद से सब सेक्शंस हैं, तो ऐसे ये करके ब्रैकेट में लिखते चले गए, ठीक है। ये सिंपल वे है। अगर आप फॉर्म लिख रहे हैं या शेड्यूल लिख रहे हैं, तो कहीं भी आप शेड्यूल मेंशन करेंगे तो हमेशा ही इस तरह के ब्रैकेट में इसको आप करिएगा। ओके, दिस इज द गुड वे टू राइट लॉ इन योर कॉपी। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो यही चीज मैं कह रहा था कि इसको आप सेंटर ऑफ द पेज में लिखेंगे। हालांकि इसको मैंने वाटर एक्ट में भी बताया है, पर मैं कहा कि इसको हर एक्ट में बच्चों को बताना जरूरी है शुरुआत में, ताकि वो जाने कि लिखा कैसे जाता है। तो ये जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन रूल 1975। इट वॉज जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो 27 फरवरी 1975 को हुआ था। इसमें 11 चैप्टर हैं, इसमें 35 सेक्शंस हैं। अब देखिए कि चैप्टर मैंने कैसे लिखा है, देख रहे हैं, और सेक्शंस को देखिए कैसे लिखा हुआ है। फिर इसमें फॉर्म्स हैं, 15 फॉर्म हैं, और शेड्यूल इसमें आपका 4 शेड्यूल्स हैं। यह एक्ट GSR नंबर 58E ऑफ सेक्शन 63, सेक्शन 63 वाटर एक्ट का क्या कहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव पावर टू मेक रूल, बस वहीं से आया है। सेक्शन 63 कहता है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 से लिया गया है, ठीक है। तो आप अगर शेड्यूल तक भी लिख रहे हैं तो इट इज़ एनफ, पर आपको जानकारी पूरी चाहिए तो मैंने यहाँ पे पूरा चीज़ लिख दिया है। इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपना नोट्स बना सकते हैं। अब चैप्टर्स में हमारे पास जो होता है, चैप्टर्स में संख्याएं कुछ बढ़ जाती हैं। तो वाटर एक्ट में 8 चैप्टर था और 64 सेक्शंस थे, और यहाँ पर देखिए रूल में क्या है कि इसमें 11 चैप्टर हैं, 11 चैप्टर हैं और 35 सेक्शंस हैं, मात्र 35 सेक्शंस। तो हेडिंग्स बढ़ जाती हैं। तो खैर इसमें सारी हेडिंग्स को आपको एग्ज़ाम में लिखना भी नहीं है, BC नंबर का क्वेश्चन है, पर जानते रहिए सब नोट्स में तो सारे चीज़ होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम क्लास में बनाए गए नोट्स जो होते हैं वो आपके आगे भी भविष्य में काम आते हैं। आप फिर मैं कह रहा हूँ कि आप इसको और भी शॉर्ट करके लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5 नंबर में क्वेश्चन आ गया तो पूरा तो लिखेंगे नहीं, कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स को, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को आप अपने पॉइंट कर लीजिए, लिख लीजिए। पर ये ध्यान रखिए कि कोई भी, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन आए चाहे लॉन्ग क्वेश्चन आए, पहले आप इसको लिखेंगे ज़रूर। अब इसमें पहला चैप्टर है प्रिलिमरी, दूसरा चैप्टर, जैसे लॉ में पहला चैप्टर एक्ट में था, वाटर एक्ट में प्रिलिमरी इसमें भी रहेगा। दूसरा चैप्टर क्या कहता है, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द मेंबर्स, टर्म एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ द मेंबर्स की बात करता है कि कौन कितने दिन किस कार्यकाल में। यहाँ पर देखिए केवल चेयरमैन के कार्यकाल, मेंबर सेक्रेटरीट के कार्यकाल, उनके फाइनेंशियल डिटेल्स, टूर ट्रेवल के डिटेल्स, यही सब इसमें रखे जाते हैं। ये कैसे फाइनलाइज किए जाएंगे, कैसे एक चैनल के थ्रू पास होते हैं कोई भी रिपोर्ट्स, ये सारी डिस्कशन रूल्स में होती हैं। चैप्टर 3 कहता है पावर एंड ड्यूटीज़ के बारे में ऑफ चेयरमैन के, जिसमें अब देखिए वहाँ पे पावर्स एंड ड्यूटी दूसरी है, इसमें दूसरा है, इसमें अपॉइंटमेंट अथॉरिटीज़ को लेकर भी जिक्र होगा। फिर टेम्प्रोरी एसोसिएशन है, कोई व्यक्ति को टेम्प्रोरी एसोसिएट, पावर टू टेक सैंपल, आप बार बार देख रहे होंगे एयर एक्ट में भी है, वाटर एक्ट में, तो पावर टू टेक सैंपल के जो नियम हैं उसके अंतर्गत क्या है कि किसी भी पर्सन को आप अपॉइंट करके भी सैंपल CPCV मंगवा सकती है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे जिक्र होगा। फिर इसके बाद से कंसल्टिंग इंजीनियर्स के बारे में जिक्र होगा, क्योंकि कभी कभी गुड फेथ के लिए जो है कंसल्टिंग इंजीनियर्स का अपॉइंटमेंट जो है CPCV करती है या स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करती है, तो उसके लिए क्या प्रावधान होने चाहिए। बजट्स के बारे में है, अब जो वहाँ बजट पढ़े वही बजट यहाँ पर चैप्टर में है। फिर एनुअल रिपोर्ट्स कैसे जाएंगी उसका भी प्रारूप इसमें है।
फिर अकाउंट्स का कैसे होगा हिसाब किताब देख रेख, फिर रिपोर्ट्स कैसे बनेंगी, फिर सेंट्रल वाटर लेबोरेटरी के लिए क्या पैरामीटर होंगे, फिर पावर्स एंड फंक्शन ऑफ सेंट्रल बोर्ड इन रिलेशन टू यूनियन टेरिटरीज क्या होगा उसके बारे में जिक्र होगा, या कोई यूनियन बनता है दो तीन स्टेट्स का तो उसके लिए क्या पैरामीटर्स होंगे उनके बारे में जिक्र यहाँ पे किया जाएगा। फिर है आपका शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट चैप्टर वन प्रिलिमरी। अब देखिए वन इसमें वन की तरह लिखा हुआ है न्यूमेरिक में। सेक्शन वन कहता है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट इसमें आ गया। और सेक्शन वन प्रिलिमरी का जो शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट है, मैंने बताया था कि यही चीज़ को आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखेंगे। एयर एक्ट में वीडियो वन को आप चेक करिए, उसमें ये चीज़ें लिखने का तरीका बताया गया है। अब आप लिखेंगे प्रिलिमरी में, दिस रूल इज नोन एज द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन रूल 1975। कॉपी में एक्ट या रूल अगर किसी टेक्स्ट में आता है तो स्मॉल में नहीं, उसको आर कैपिटल में होगा, ए कैपिटल में होगा। रूल 1975, इट वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 27 फरवरी 1975 विथ 11 चैप्टर्स 35 सेक्शंस 15 फॉर्म्स एंड 4 शेड्यूल। फिर यहाँ पे आप पुल स्टॉप देंगे, फिर आगे लिखेंगे दिस रूल इज अंडर GSR नंबर 58E ऑफ सेक्शन 63 फ्रॉम द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। अब ये आपका प्रिलिमरी पूरा हुआ। हालांकि प्रिलिमरी में और भी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं कि कहाँ पे ये इम्प्लीमेंट होगा, कहाँ पे ये लगेगा, कौन सा एक्ट होल इंडिया लगेगा। तो अब तो 370 हट गया तो सारे एक्ट होल इंडिया पे लगेंगे, ठीक है। एक देश एक संविधान तो होना ही चाहिए, पर पर्यावरण के लिए एक कानून जरूरी था तो इसको एक्सटेंड कर देंगे, तो ये हर जगह अब लागू है। फिर सेक्शन टू कहता है डेफिनेशन। डेफिनेशन में देखिए सेक्शन टू ए, एक्ट, एक्ट मतलब वही मींस द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, अभी आगे डेट नहीं डालना है, एक्ट। फिर चेयरमैन मींस चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड, यहाँ अगर बार बार चेयरमैन शब्दावली आ रही है तो चेयर मतलब सेंट्रल बोर्ड का, ना कि स्टेट बोर्ड में। स्टेट बोर्ड में चेयरमैन नहीं होता है, स्टेट बोर्ड में जो है आपका अथॉरिटीज जो है MS के थ्रू गवर्न होती हैं, या जो है आपका डायरेक्टर हो जाता है। फिर सेंट्रल बोर्ड लेबोरेटरी के बारे में दिया गया, सेंट्रल बोर्ड लेबोरेटरी को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, तो सेंट्रल बोर्ड लेबोरेटरी मींस लेबोरेटरी एस्टेब्लिश्ड और रिकॉग्नाइज अंडर सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 16, सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 16, सॉरी। फिर इसके बाद से, चूंकि ये वीडियो अनकट बनाता हूँ मैं, इसको बार मैं कट नहीं करता ना मैं इसमें एडिटिंग करता हूँ, तो अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो प्लीज़ हम्बली इग्नोर, क्योंकि मैं फिर उसको करेक्ट भी कर देता हूँ। सेंट्रल वाटर लेबोरेटरी, सेंट्रल वाटर लेबोरेटरी मींस की लेबोरेटरी इस्टेब्लिश करना अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 51। फिर फॉर्म्स क्या है, फॉर्म्स मीन अ फॉर्म सेट आउट इन शेड्यूल 1। फॉर्म्स क्या होते हैं इसके बारे में भी मैं, इसका भी एक फ़ोटो आपको डाल के दिखाऊंगा कि फॉर्म्स होते क्या वाला हैं। ये फॉर्म्स कुछ नहीं, जैसे आप कोई रेलवे का फॉर्म CBSE IAS PCS जो भी भरते हैं उसी तरह का एक फॉर्मेट होता है, बस इसलिए पोल्यूशन को लेके बना होता है। शेड्यूल क्या है, शेड्यूल में भी डरने का नहीं है, शेड्यूल्स जो है वो पैरामीटर्स दिए गए होंगे। एयर का अगर रूल पढ़ रहे हैं तो एयर के सारे पैरामीटर, वाटर दिए हैं तो वाटर के सारे पैरामीटर वहाँ मेंशन होते हैं, समझ रहे हैं, DO BUDL क्रेटी TDS TDS TSS हार्डनेस आर्सेनिक फ्लोराइड क्रोमियम PCBs सारे पैरामीटर उसमें A to Z दिए रहते हैं, तो उसको हम शेड्यूल कहते हैं। फिर इसके बाद से जो है आपका ईयर, ईयर का बात जब करा जाए तो फाइनेंशियल ईयर। अब देखिए उसमें भाई बार बार ईयर आ रहा था, फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर, अप्रैल मंथ ऑफ अप्रैल को हम फाइनेंशियल ईयर में कंसीडर करते हैं। तो ये आपका डेफिनेशन पोर्शन हुआ इसमें। फिर चैप्टर टू कहता है टर्म्स एंड कंडीशन एंड सर्विसेज ऑफ द बोर्ड मेंबर्स एंड द मेंबर्स ऑफ सेंट्रल बोर्ड। मान लीजिए इट्स टू हॉट टुडे, मान लीजिए कि अब कोई मेंबर है, चेयरमैन है, तो उसकी सैलरी कैसे होगी, अलाउंसेस कैसे दिए जाएंगे, इन्हीं सब का जिक्र इसमें होता है। अब देखिए सेक्शन थ्री कहता है सैलरी अलाउंस एंड कंडीशंस ऑफ द सर्विस ऑफ चेयरमैन। अब चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दिस अपॉइंटमेंट
should be under the Ministry of Finance Department expenditure. Similarly, Section 4, Salary and Allowances and Other Conditions of Member Secretary, it should be appointed by the government. और दोनों ही government, आप देखिए यहाँ पे जो appointment है ये government servant है, IAS, PCS ये public servant में आते हैं, police public servant है, पर ये government servant है, ठीक है। शब्द को देखिए आप, शब्द पे focus कीजिए, ये बदल गया शब्द। फिर terms and conditions and service of members of the central board, member of the central board के पास क्या क्या terms and conditions होगी, तो मतलब कि टर्म्स एंड कंडीशन मतलब कि कहीं वो जर्नी कर रहे हैं उसका TA, DA, इंसेंटिव, अलाउंस मिलेगा, तो ये सब पार्लियामेंट से पास होता है और पार्लियामेंट में इसकी एक कॉपी जमा की जाती है, तो इसको जो है यहाँ पर सेक्शन 5 के अंतर्गत है। सेक्शन 6 क्या कहता है, सेक्शन 6 कहता है फीस एंड अलाउंसेज पेड टू द मेंबर कमेटी ऑफ द बोर्ड। अब कोई जो है मेंबर कमेटी है, उस कमेटी में कोई मेंबर है, जो डेली अलाउंसेज उसके क्या होंगे, अगर वो मेंबर कमेटी यूनियन टेरिटरी में वर्क कर रहा है, अपने स्टेट को छोड़कर वहाँ पे गया है ऑन डेपुटेशन, तो उसके क्या अलाउंसेस होंगे, क्या उसका जो है TA, DA और इंसेंटिव्स लगेंगे, ये सारी चीज़ें जो है इसका सेंट्रल बोर्ड के पास एक लेखा जोखा होगा जो कि गवर्नमेंट को दिया जाएगा, गवर्नमेंट उसको पास करेगी तो वो उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा। यही सब चीज़ें फाइनेंशियल जो गाइडलाइंस हैं उसको यहाँ पे रूल्स में रखा जाता है। वही मैं कह रहा था कि एक्ट को काम करने के लिए जो तरीका है, एक्ट को बैसाखी जो दिया जाता है वो रूल्स के थ्रू दिया जाता है। फिर चैप्टर 3 कहता है पावर्स एंड ड्यूटी ऑफ द चेयरमैन। अब चेयरमैन के पास अभी तक तो आप पावर्स और ड्यूटी देख रहे थे कि एडवाइज, असिस्ट, अब देखिए यहां पे क्या है कि सेक्शन 7 कहता है पावर्स एंड ड्यूटी ऑफ द चेयरमैन में चेयरमैन शैल हैव ओवरऑल कंट्रोल ऑफ डे टू डे एक्टिविटी। अब उसका इंडिविजुअल पावर क्या है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो उसका डे टू डे एक्टिविटी ऑल ओवर इंडिया जितना भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसका सारा का सारा डे टू डे एक्टिविटी का रिपोर्ट जो है वो चेयरमैन के पास जाता है। चेयरमैन के अंडरटेकिंग होता है टूर एंड ट्रेवल, किसी बोर्ड के मेंबर को कहीं टूर करके जाना है, कहीं ट्रेवल करना है, तो उसके बारे में जानकारी उसको होनी चाहिए, टेंडर जो निकलेगा उसकी जानकारी होनी चाहिए। फिर जो है कोई बजट को सैंक्शन करना है उसकी जानकारी होनी चाहिए। देखिए अब इसमें 1, 2, 4, 5 लिखा हूँ मैं, अभी मत सोचने लगिएगा कि सेक्शन एक जो है मिस कर गए, नहीं नहीं मिस नहीं है, उसको मैंने हटा दिया है, इट्स वो जो है नेसेसरी मुझे नहीं लगा तो मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया, वही चीज़ें बार बार हो रही थी, रिपीट हो रहा था तो उसको मैंने वहाँ से हटा दिया। सेलेक्टेड और एकदम परफेक्ट सेक्शन रखा हूँ मैं जो कि आपके पूरे एग्जाम में चाहे आप सिविल विविल भी दें तो भी इसमें आपका पूरा फंस जाएगा, क्वेश्चंस सारे जो लॉ से संबंधित है एनवायरनमेंट के इंक्लूडिंग PCSJ। सेक्शन 8 क्या कहता है, क्रिएशन एंड एबोल्यूशन ऑफ द पोस्ट। अब सेंट्रल बोर्ड के चेयरमैन के पास ये पावर है और सेंट्रल बोर्ड के पास भी ये पूरा पावर है कि वो बिल पास करके किसी का जो है पोस्ट को क्रिएट कर सकता है, किसी को नौकरी से निकाल भी सकता है। ये देखिए ये पावर बोर्ड के पास होता है कि आपको रखे कि निकाले, अपॉइंटमेंट कर सकता है, अपॉइंटमेंट के लिए जैसे मान लीजिए कि उसको लगता है कि आपका सलाह कोई मशवरा कोई बेटरमेंट के लिए हमारे है तो आपका नियुक्ति कर सकता है, और लगेगा कि आप नुकसान कर रहे हैं या करप्शन कर रहे हैं तो यू शुड बी टर्मिनेटेड बाय द रिटन ऑर्डर ऑफ चेयरमैन। फिर पावर एंड ड्यूटी ऑफ मेंबर सेक्रेटरी। अब देखिए मैंने हर लॉ में बताया आपको, वाटर एक्ट में भी बताया है, एयर एक्ट में भी बताया है कि चेयरमैन के जो पावर है उससे भी कहीं ज़्यादा फैला हुआ विस्तार में पावर मेंबर सेक्रेटरी का होता है और उसकी ड्यूटीज़ होती है। कोई भी कॉन्फिडेंशियल पेपर हुआ, अब 1 से 13 सेक्शंस जो हैं सब सेक्शन ये सारे यही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। अब मेंबर सेक्रेटरी शैल हैव पावर रिगार्डिंग कॉन्फिडेंशियल पेपर मेंटेनेंस, मेंबर सेक्रेटरी शैल प्रोड्यूस कॉन्फिडेंशियल पेपर टू द चेयरमैन, और कोई नहीं प्रोड्यूस कर सकता है, ऐसा नहीं कि जो है कोई भी कंसल्टिंग अथॉरिटी अपॉइंट हुआ उसने जो है कोई कॉन्फिडेंशियल पेपर है उसको लीक कर दिया, ना 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 एकदम नहीं, केवल MS
केवल एमएस, और वो भी कब, इन प्रेजेंस ऑफ चेयरमैन, वो डॉक्यूमेंटेशंस वहाँ पे भेजे जाते हैं। फिर मेंबर सेक्रेटरीट जो होता है वो इंटाइटल्ड होता है किसी भी एम्प्लॉई ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो कि अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन है उसके अगेंस्ट में या उसके फेवर में, तो उसकी जानकारी रखना। फिर मेंबर सेक्रेटरीट के पास जो होता है पेमेंट का पावर होता है, वो होल्ड कर सकता है, उसको लगा कि आप जो है ढिठाई कर रहे हैं, ड्यूटी कर्तव्य को निर्वाहन ना करने के कारण आपने कुछ गड़बड़ किया, तो सेंट्रल बोर्ड के एमएस के पास ये पावर है कि आपकी सैलरी रोक दें। ऐसे आप सुनते होंगे बीएससी ने अध्यापक की सैलरी रोक दी, तो किस पावर, उसके पास अलग ज्यूरिडिक्शन है, और यहाँ पे ये अलग चीज़ है, ये एमएस के पास पावर होता है। फिर इसके बाद से एमएस के पास पावर होता है कि वो मीटिंग को अरेंज करे। अगर चेयरमैन कहता है हम मीटिंग करना चाहते हैं, तो अब बस उसका रिटर्न आदेश। और एक बात जान लीजिए, अगर आप इंडस्ट्री में काम करते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं, और आपका कोई भी अधिकारी आपसे कहता है यार ज़रा पीएच चेक करके बताओ पानी का कितना है, तो आप ये जान लीजिए कि आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे सर काइंडली इसको लिखकर मेल कर दीजिए, और उसको मेल करके स्क्रीनशॉट या प्रिंट स्क्रीन करके आप सेव कर लेंगे अपने रिकॉर्ड के लिए। कभी भी लॉ या इन्वायरमेंट के केस में कोई भी चीज़ वर्बल नहीं होनी चाहिए, वर्बल हुई तो ये आपके कैरियर के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकती है, क्योंकि वर्बल का कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है, वर्बल कहीं भी मायने नहीं रखता इन केस ऑफ इन्वायरमेंटल लॉ। मान लीजिए आपसे कह दिया आप गए टैंक को चेक करने के लिए, टैंक में कहीं आपकी गलती से या लीकेज हो गया, एमआईसी जैसी कोई घटना भोपाल की घट गई, या विगैस लीक टाइप का हो गया, या कहीं पे आपके चलते हाई टीडीएस में पानी चला गया बॉयलर में, तो बॉयलर का विस्फोट हुआ, अब फंसेगा कौन? देखिए लॉ में फंसने के दो तरीके हैं, एक तो फंसेगा वो ऑक्यूपायर, दूसरा फंसेंगे आप, क्योंकि आप इंचार्ज हैं उस ऑपरेशन के, जो ऑपरेशन वहाँ पर कंडक्ट हुआ। अब अगर वो ऑपरेशन वर्बल कंडक्ट हुआ तो क्यों वर्बली कंडक्ट हुआ, उसको वर्बल कंडक्ट नहीं होना था, वो उसका लिखित डॉक्यूमेंटेशन कहाँ है? आपसे बोर्ड क्यूरी करेगी, जवाब देते नहीं बनेगा, एनजीटी में जाएंगे, फंस हो जाएगी, जेल लगेगा, पेमेंट पेनाल्टी और देना पड़ेगा उसको बढ़िए से, और आपकी सैलरी भी जाएगी रुक जब तक कि आप वहाँ से क्लियर नहीं होते हैं। फिर इसके बाद से सबसेक्शन 7 कहता है कि इंस्ट्रक्शन इशू करता है कि कहाँ पे जो है मेंबर सेक्रेटरी का, बिना सिग्नेचर के मेंबर सेक्रेटरी के कोई भी इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन चेयरमैन भी नहीं पास करता है। फिर इसके बाद 8 कहता है मेंबर सेक्रेटरीट अथोराइज है कि किसी का पेमेंट पास करे, या किसी के अगेंस्ट कोई अगर अलॉटमेंट मेड है तो, और इस्टीमेटेड कोई सैंक्शनड रिक्वायरमेंट है तो उसकी जानकारी उसके पास होनी चाहिए, उसका भरपाई वो करे, उसके बारे में एनालिसिस करे। बहुत ज़्यादा पावर है एमएस के पास, माने कि आप कह सकते हैं कि आपके पास, उसके पास घड़ी देखने का फुर्सत नहीं है। अगर वाकई में वो एनवायरमेंटल साइंस पढ़ कर गया है और वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एमएस है, तो उसके पास अपनी घड़ी देखने का भी फुर्सत नहीं होगा। फिर इसके बाद मेंबर सेक्रेटरीट के पास है पावर, सेक्शन आपका 9 का सबसेक्शन 9, मेंबर सेक्रेटरीट के पास पावर है कि किसी भी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर सेंट्रल बोर्ड के चेयरमैन के द्वारा अंडर साइंड करके उसको मूव कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि किसी का पेमेंट रुका है, किसी की सैलरी रुकी है, अब सैलरी रुकने के बाद से उसके ऊपर जीवन मरण का केस आ गया है कि लाए मैंने भुखमरी के कगार पे आ गया, तो ऑन द ग्राउंड ऑफ मर्सी इस तरह की हरकतें मेंबर्स कर सकते हैं कि क्लास वन या क्लास टू, और चेयरमैन उस समय छुट्टी पर है तो क्लास वन और क्लास टू से जो है आपका सिग्नेचर करा के उसको क्लियरेंस दे सकते हैं। फिर इसके बाद से आपका जो है मेंबर सेक्रेटरीट के पास पूरा पावर होता है कि किसी भी प्रकार का टेक्निकल एस्टिमेशन करे, किसी भी प्रकार का टेक्निकल गाइडलाइन को प्रोवाइड कराए, कोई भी टेक्निकल सपोर्ट। अब देखिए आप पिछले लॉ में पढ़े होंगे कि चेयरमैन शैल हैव पावर टू प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट गाइडलाइन, ये सब कहाँ से कहता है, ये सब एमएस के कंधे पे बंदूक रख के दगाओ, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी चलती है कि एमएस के पास ये पूरा पावर होता है। अब मान लीजिए कि लखनऊ में मौजूद या कारकाडूमा जो आपका परिवेश भवन है वहाँ सीपीसीबी का हेड ऑफिस है, ठीक है,
अब लखनऊ में मौजूद सीपीसीवी के जो है किसी अधिकारी को लगा कि हमें कोई एस्टिमेट चाहिए, कोई टेक्निकल सेशन है, कोई टेक्निकल सेक्शन है, तो उस सेंक्शन में क्या है कि हमको कोई ऑर्डर मंगवाना है या हमें कोई इंस्ट्रूमेंटेशन के ऑर्डर्स करने हैं, तो ये सारी चीज़ें जो एक्सरसाइज होंगी ये मेंबर सेक्रेटरीट के फुल पावर में एक्सरसाइज होंगी। फिर आपका मेंबर सेक्रेटरीट एक्सरसाइज करता है अपने पावर को, सेक्शन जो है 9 सब सेक्शन 13 कहता है कि एक्सरसाइज करता है इन द केस ऑफ डिजिग्नेट बाय द चेयरमैन। अब डिजिग्नेट बाय द फुल टाइम चेयरमैन और बाय द टाइम बीइंग चेयरमैन। अब मान लीजिए कि कोई चेयरमैन बना, ठीक है, वो किसी कारण से उसका तबादला हो गया या हट गया उस पोस्ट से, क्योंकि चेयरमैन आईएएस होता है और ऑन डिप्यूटेशन होता है, ठीक है, तो अगर चेयरमैन नहीं है तो एमएस ही चेयरमैन के तौर पे काम करेगा। यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है, एमएस ही चेयरमैन के तौर पे काम करेगा। देखिए, आप लॉ को लिख सकते हैं अपने वर्डिंग में भी, परंतु एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 जो कह रहा है वही चीज़ वहाँ मेंशन होनी चाहिए। अगर वो चीज़ वहाँ मेंशन आप नहीं कर रहे हैं, आप सबसेक्शन 1 को 2 में लिख रहे हैं और 2 को 3 में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो गलत हो जाएगा, नंबर नहीं मिलेगा, कट जाएगा, मार्क्स कट जाएगा, और ये लिखने का तरीका भी गलत है, क्योंकि लॉज में सिस्टमैटिक पैटर्न। अब देखिए, पीछे मैं सेक्शन 3 को हटाया, ठीक है, 4 और 3 लगभग लगभग सेम है। अब गलती से अगर आपने यहाँ पे मैं लिखा होता और आपने 4 को 3 में और 3 को 4 में लिख देते तो आपके मार्क्स कट जाएंगे टोटल। फिर चैप्टर 4 है टेम्प्रोरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद द सेंट्रल बोर्ड। अब किसी भी पर्सन का टेम्प्रोरी एसोसिएशन कैसे हो, कैसे वो किसी बोर्ड मेंबर उस पर काम करे, उसके लिए यहाँ पे गाइडलाइन इशू की गई है। अब सेंट्रल बोर्ड इनवाइट कर सकता है किसी भी पर्सन को जिसको लगता है कि उसका असिस्टेंट, उसका सलाह उसके जो बोर्ड के लिए है वो सफिशिएंट है, वो जानकारी वो अच्छी देगा, तो उसके लिए वो उसको अपॉइंट कर सकता है, उसको नॉमिनेट कर सकता है उस पोस्ट पे। जैसे लगता है कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को मेरी सलाह से लाभ होगा तो वो मुझे अपॉइंट वहाँ पे कर सकता है ऑन डिप्यूटेशन। बोर्ड के पास ये पावर होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो कि नॉन ऑफिशियल है दिल्ली में है तो उसका अलाउंस पर डे का क्या बनेगा, और यदि मान लीजिए कि हम दिल्ली के बाहर के हैं, मान लीजिए मैं सुल्तानपुर से केएनआई से हूँ, सुल्तानपुर में ही है एनवायरमेंट साइंस डिपार्टमेंट, गूगल पे कर लेंगे तो भी दिखाएगा। तो अब मान लीजिए कि हमने सुल्तानपुर से हमको दिल्ली इन्वाइट किया गया, तो हमारा जो रिम्बर्समेंट होगा, जो हमें पेमेंट होगा, वो क्लास 1 ऑफिसर का होता है, ग्रेड 1 ऑफिसर जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। पर अगर हम दिल्ली के हैं और दिल्ली में ही हो रहा है तो हमको ग्रेड 1 ऑफिसर का नहीं मिलेगा, ग्रेड 1 ऑफिसर का हमको अमाउंट जो आपका रिम्बर्समेंट है वो नहीं मिलेगा हमको। फिर चैप्टर 5 है कंसल्टिंग ऑफ जो आपका इंजीनियर्स के बारे में, कंसल्टिंग इंजीनियर्स। अब कंसल्टिंग इंजीनियर्स में क्या है, सेक्शन 11 का सिंपल है, सिंपल आप ऐसे ही पॉइंट्स में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। सेक्शन 11 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ कंसल्टिंग इंजीनियर। अब इसमें क्या है, कंसल्टिंग इंजीनियर शैल बी अपॉइंटेड बाय द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड और बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय द एमएस इन एब्सेंस ऑफ द चेयरमैन। फिर सेक्शन 12 कहता है पावर टू टर्मिनेट द अपॉइंटमेंट, चेयरमैन शैल हैव ओवरऑल पावर टू टर्मिनेट द अपॉइंटमेंट इफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड चेयरमैन रिक्वायर्ड दैट द इंजीनियर शैल बी और मस्ट बी टर्मिनेट फ्रॉम देयर पोस्ट इमीडिएटली, ही सिंपली इशू अ लेटर एंड द इंजीनियर ऑफ अपॉइंटेड इंजीनियर शैल बी टर्मिनेटेड फ्रॉम द पोस्ट। सेक्शन 13, व्हाट आर द फंड्स प्रोवाइडेड टू द कंसल्टिंग इंजीनियर, द एंटायर फंड सैलरी वेजेस आर कम अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ एमएस। सेक्शन 15 अबाउट कंसल्टिंग इंजीनियर, यहाँ पर ओथ है, एक शपथ है, कंसल्टिंग इंजीनियर किसी भी प्रकार के सैंपल या प्रोसीजर्स की जानकारी डिस्क्लोज नहीं कर सकता है। कोई भी सेंट्रल बोर्ड का कोई भी कंसल्टिंग इंजीनियर अगर अपॉइंट होता है, इवन कोई भी व्यक्ति अपॉइंट होता है, अब अगर मीटिंग के अंदर डिस्कस हुआ
कि गोमती के पोल्यूशन जो सुल्तानपुर में करेंगे या गंगा में जो पोल्यूशन सुल्तान इसमें क्या नाम है गंगा में पोल्यूशन करेंगे, जो यमुना में पोल्यूशन करेंगे, जो नर्मदा में पोल्यूशन करेंगे, जो भी इंडिया के रिवर में पोल्यूशन करेंगे, उनका अर्थदंड बढ़कर 10 लाख रुपए प्रतिदिन किया जाए। मान लीजिए एक डिसीजन ये होता है। अब ये डिसीजन मैं बाहर निकलता हूँ तो बाहर अक्सर मीडिया वाले रहते हैं, प्रेस वाले रहते हैं, जब कोई मीटिंग होता है तो प्रेस भी रहती है। बाहर निकलकर ये चूँकि हाईलाइट होने वाला डिसीजन नहीं था, ये कॉपी में बाइंड होने वाला है। अभी उसको चेयरमैन ने कहा कि आपने कहीं भी डिस्क्लोज नहीं करना। अब आप उस मीटिंग में थे, आप बाहर निकले, माइक पाए और माइक पा के शुरू हो गए। जैसे लोगों को जब माइक और कैमरा मिलता है ना तो ये शुरू हो जाते हैं, ये हमारी आदत है। तो शुरू हो गए, मीटिंग में फलाने हुआ, मीटिंग में धमाके हुआ, और अंत में आपने बोल दिया कि मीटिंग में ऐसे पेनल्टीज़ को रखा गया है, बस आप तुरंत टर्मिनेट, पनिश्ड एंड पेनलाइज किए जा सकते हैं। तुरंत आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ये मैटर ऑफ ओथ होता है। सेक्शन 16 कहता है ड्यूटी एंड फंक्शन ऑफ कंसल्टिंग इंजीनियर। तो कंसल्टिंग इंजीनियर का फंक्शन और ड्यूटी ये है कि वो हर बोर्ड्स को, हर गवर्नमेंट को, हर यूनियन टेरिटरी में कहीं भी जहाँ पे भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो जाएगा, वो सजेस्ट करेगा, वो अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा, वो उनको टेक्निकल गाइडेंस में हेल्प करेगा, टेक्निकलिटी सपोर्ट प्रोवाइड करना, आप ये कह सकते हैं टेक्निकलिटी सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस हियरिंग। गेट टू बी कंटिन्यूड है और नेक्स्ट वीडियो इसके बाद अपलोड होगा। इसको आप पढ़िए, से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा। हमेशा याद रखिए लॉ में जो एक्ट है, एक्ट को कैसे फॉलो कर रहे हैं वही चीज रूल है। एक्ट को फॉलो कराने का तरीका ही रूल है। रूल में हमेशा एक्ट के हर सेक्शंस को ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है, इसीलिए इसमें चैप्टर 11 है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर लीजिएगा। हैव अ नाइस डे।